हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर यूएएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है भाई आज दोबारा से, और तीन मैच है। पहला है रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टिक वुमेन के बीच 10:15 बजे भाई, तगड़ा मैच। एक टीम स्पेन की और एक टीम अनदर लीग की, जो बोलते हैं स्कॉटिश प्रीमियर लीग की, स्कॉटिश प्रीमियर टीम है ये। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ नहीं करना आपने, बस लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आज भी मैचेस हैं तगड़े। आपको मैंने बोला था वीकेंड तक मैचेस कम है, लेकिन भाई भगवान की कृपा से कल बहुत सारे मैच ऐड कर दिए इन्होंने, और कल से ऑस्ट्रेलियन लीग चालू हो रही है भाई। बहुत दिनों बाद भाई, मतलब महीनों के बाद हम ऑस्ट्रेलियन लीग का कल मैच खेलेंगे। तो कल से वही रेगुलर डेज भाई, जो पहले थे आज से 2 हफ्ते पहले रेगुलर मैचेस थे सुबह के शाम के, तो लोगों को मज़ा आता था कि हम मैच खेलें, जैसे कि टाइमिंग बड़ी अच्छी है, सुबह 9:30 बजे है ना, तो मज़ा आएगा बस आपको, मैं तो इतना कहूँगा। वीकेंड भी तगड़ा जाने वाला है इस बार आपका। तो बात करते हैं इस मैच की। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड टीम इज़ द, मतलब मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। सेल्टिक टीम के पास अच्छी प्लेयर होंगी, लेकिन रियल मैड्रिड से भिड़त में मुश्किल आएगी, क्योंकि कल भी हमने देखा कि सिंगल साइड मैच, वुमेन मैच का मतलब है सिंगल साइड। मैंने कल नोटिस किया कि हम मेंस मैच में 3 स्ट्राइकर लेकर कई बार हार जाते हैं, लेकिन आप वुमेन में 3 स्ट्राइकर लेकर नहीं हारोगे, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एस ब्रून ने कमाल का मैच खेले हैं भाई। अभी पीछे मैचेस चल रहे थे तो इसने इस सीज़न के ना 4-5 मैच खेले, तो लिमिटेशंस में, जिसमें 3 गोल कर चुकी है। तो मुझे लगा चल अच्छा खेल रही है, तो मैंने लास्ट सीज़न का रिकॉर्ड चेक किया, 20+ मैचेस खेली और टोटल गोल 14 और असिस्ट अलग। मतलब ब्रून ने कमाल कर रखा है, इस लड़की मैं कहूँगा सबसे तगड़ा खेल रही है। उसके बाद एडल कैस्टिलो भाई, ये थोड़ा ओवर रेटेड है, कई बार अपनी मन मर्जी की मालकिन है भाई, सीधी बात है। कभी इतना अच्छा खेलती है कि हम इसे बोलते हैं कि यार हमने छोड़ क्यों दी ऐसी प्लेयर, कई बार इतना बुरा खेलती है कि मैं बोलता हूँ मैंने लिया ही क्यों इस खिलाड़न को। बट क्या है कि क्या करें भाई, क्योंकि मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर दो हमारी एक प्लेयर डन है जिसका नाम है सी वेयर, सुन लो ध्यान से। उसके बाद आपको कई लोग प्रेशर डालेंगे सैंडी को लेने का, लेकिन मैं आपको राय दूंगा नहीं, आप ना एक काम करो, रेडोंडो अगर खेल रही है तो आप इसको लो, बट एक शर्त पे, अगर आप रेडोंडो को लोगे तो आप एडल कैस्टिलो को नहीं रोगे, और अगर ब्रून खेलेगी तो हो सकता है एडल कैस्टिलो ना खेले। इसलिए कैस्टिलो को अभी आप ड्रॉप रखो, आप मेरी बात मानो, आप पहले यहाँ पे रेडोंडो को पिक करो। उसके बाद एल कैसेडो एक बहुत अच्छी प्लेयर है, मैं इसके साथ हूँ, बट मेरे को लग रहा है कैसेडो की जगह पर एक प्लेयर है फैलर, ये खेल सकती है। और फैलर और कैसेडो में से जो भी प्लेयर खेलेगी वो आपने लेनी है। मैं आपके आसान शब्दों में बात ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं कि इसको ले लो इसको ले लो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, रेडोंडो और एडल कैस्टिलो में कोई एक खेलेगी आपने उसके साथ जाना है, एल कैसेडो एंड एन फैलर में कोई एक खेलेगी आपने उसके साथ जाना है, बस इतनी सी बात है। और स्ट्राइकिंग की ऑपोजिशन टीम की बात करें तो उनमें आपको बहुत अच्छी प्लेयर देखने को मिल जाएंगी, बट मैं 2 का फ़ैन हूँ, एक है मैग्नव और एक है सी नूनन, और कई बार खेल दिए क्रॉस, तो क्रॉस को मैं नहीं ले रहा, मैं नूनन एंड एग्नम में से एक प्लेयर पिक कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं एग्नव के साथ हूँ। मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर मैकग्रेगर जो कि असिस्ट में अच्छी रहती है, और एन रॉस जो कि भाई असिस्ट में ये भी थोड़ी अच्छी रहती है, बेटर इनकी देखा जाए तो असिस्ट साइड जो है वो मिडफील्डिंग है, और गोल साइड जो इनकी अच्छी है वो स्ट्राइकिंग की है। और डिफेंडिंग की बात करें कैरमोना के बाद यहाँ पर है एस गर्शिया, बट गर्शिया इज़ अ 4th डिफेंडर फॉर फ्यू मैचेस, बट आज सेकेंडरी डिफेंडर है, तो मुझे लग रहा है कि आज लेक्रर फ्लॉप होगी। वैसे मैं लेक्रर को छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा डर है, सही बता रहा हूँ, मैं लेक्रर को छोड़ना नहीं चाहता, मैं वेट करूँगा पहले कि मैंडिस खेल रहेगी नहीं, ये मैंडिस अगर खेलेगी तो मैं लेक्रर को लूँगा, अगर मैंडिस नहीं खेलेगी फिर लेक्रर का कोई काम नहीं, क्योंकि लेक्रर मैंडिस की जगह पर अच्छा नहीं खेल पाएगी। अगर अकेली खेल रही है नीचे से तो शायद अच्छा कर दे। और गोलकीपिंग की बात करें के डोहाटी के साथ जा रहा हूँ, एंड बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरे भाई ब्रून, वाइस कप्तान है आप लोगों की ए रेडोंडो, ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।